हरदोई में पंचदेवरा थाने की पुलिस गाड़ी को धक्का लगाकर स्टार्ट करने का वीडियो वायरल हो गया है। पाली में अमन हत्याकांड के आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद पुलिस की गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, ग्रामीणों ने गाड़ी को धक्का लगाकर स्टार्ट किया। अमेठी में विजिलेंस की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसडीएम के पेशकार योगेंद्र श्रीवास्तव को 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। महोबा जिला अस्पताल के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर गंभीर आरोप लगे हैं। यहां बाहरी दवाइयों को ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है, जबकि सरकार ने गरीबों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए इसे खोला था। सीएमएस के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बाहर की दवाइयों का बड़ा स्टॉक छुपा हुआ है और मरीजों को उसका बिल भी सही से नहीं दिया जा रहा है। इस मामले की जाँच के आदेश दिए गए हैं। ये उस दिन परसों 7 तारीख को एडी चेक करने आई थी अस्पताल, तो शायद मुझे लगता है जैसे दवाई इसकी होगी तो इन्हें डुबका दी उसमें रख के। ये बिना उसकी लोगों वाली दवाई होगी, ये जो प्रधानमंत्री लोगो होता है उसी की दवाई बेचने की ऑथराइज है ये लोग, और ये बिना उसकी लोगों वाली दवाई ले आए होंगे इसलिए उन्होंने डुबका दी। बहराइच के पयागपुर में गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भूपगंज बाजार स्थित दुर्गा पूजा परिसर में गणेश पूजा उत्सव में भारी भीड़ जुट रही है। राधा कृष्ण की झांकियां और माता काली की झांकियां दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भाजपा ने संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 की जानकारी देने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य देश में 10 करोड़ और मध्य प्रदेश में 1.50 करोड़ नए भाजपा सदस्य बनाना है। तेंदुखेड़ा विधायक विश्वनाथ पटेल ने कहा कि ये अभियान सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ समाज के हर वर्ग को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का प्रयास है। हिंदुस्तान के सकल समाज के सभी भागों के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, और भारतीय जनता पार्टी से क्यों जोड़ना कि दुनिया के राजनीतिक नक्शे पे ये भारत जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में स्थापित है, और प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के लिए जिए, समाज के लिए जिए, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता सर्वव्यापी, और इसको हमने संगठन का उत्सव नाम दिया है। 2 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सदस्यता दी है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान बीडी शर्मा जी ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सदस्यता दी है। 3 तारीख से सारे हिंदुस्तान में ये हमारा सदस्यता अभियान पर्व के रूप में। संभल में गणेश चौथ मेले में महिला बाउंसरों की दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ठेकेदार की महिला बाउंसरों ने एक महिला पर लात घूंसे बरसाए। मेले में भारी पुलिस बल तैनात होने के बावजूद बाउंसरों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। घटना चंदौसी कोतवाली इलाके की है। सोनप्रयाग गौरीकुंड रोड पर पहाड़ी से मलबा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। जिला आपदा प्रबंधक अधिकारी नंदन सिंह राजवार ने बताया कि रात को सूचना मिलने पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर भेजी गई। रेस्क्यू अभियान में एक मृतक और 2 घायलों को निकाला गया है और एम्बुलेंस से सोनप्रयाग अस्पताल भेजा गया है। केदारनाथ घाटी के मेखड़ा गांव में ग्रामीणों ने बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है और साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं। उनका कहना है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए निर्णय लिया गया है। पुलिस ने साइन बोर्ड को हटा दिया और चेतावनी दी कि जाति या धर्म के आधार पर ऐसे बोर्ड लगाना कानून कार्रवाई का विषय है। हमारे पास हमारे संज्ञान में आया था, गुप्तकाशी कोतवाली क्षेत्र एरिया है, 6 जगह पे बोर्ड लगे हुए थे और ये चूँकि आपत्तिजनक थे, और इनको हम जब हमारे संज्ञान में ये बातें आई हैं तो हमने इन बोर्डों को हटाने के लिए अपने जो है कर्मचारियों को भेजा है। और दूसरी चीज़ जो वहाँ के लोकल स्तर पे जो उनको जो वहाँ के जनप्रतिनिधि थे, ग्राम प्रधान थे, हमारे जो थाना प्रहरी होते हैं, उनके माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि ये किसी भी आपत्तिजनक स्तर से कोई आपत्तिजनक बोर्ड लगाने का अधिकारी नहीं है। जहाँ तक सत्यापन की बात आई है, पुलिस सत्यापन लगातार सत्यापन कर रही है। 5वें अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सप्ताह के तहत स्कूली बच्चों को वायु प्रदूषण और इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में जागरूक किया गया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी उदय सिंह रावत ने बताया कि इस साल की थीम स्वच्छ हवा में निवेश करें के तहत वायु प्रदूषण से निपटने और स्वास्थ्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए तत्काल सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने अपने संसदीय क्षेत्र में पहली
जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की। बैठक में सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य के मुद्दे उठे और अधिकारियों को जल जीवन मिशन और अन्य समस्याओं का समाधान तत्काल करने के निर्देश दिए। बलूनी ने कहा कि बैठक हर 3 महीने में हो सकती है और हेली सेवा शुरू करने के प्रयासों से पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा।